हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए गोभी के पराठे की रेसिपी। गोभी का पराठा खाने में जितना टेस्टी होता है, बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी का पराठा बनाना। मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी ले ली है, जो तकरीबन वजन में 350 ग्राम होगी। इस तरह से तोड़कर हम गोभी को थोड़ा छोटा कर लेंगे और हम देख लेंगे इसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी गोभी में कीड़े हो जाते हैं। हमने सारी गोभी को धुलकर तोड़कर उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें से सारा पानी हमें हटाना पड़ेगा। अच्छे से पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेट करने के लिए हमने देखिए ये वाला कद्दूकस ले लिया है, ये वाला। तो अब हम इधर से ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम गोभी को ले लेंगे और सारी गोभी हम धीरे धीरे सारी गोभी को ग्रेट कर देंगे। अब देखिए हमारी गोभी अच्छे से सारी गोभी ग्रेट हो चुकी है। जो गोभी हमारी ग्रेट हो चुकी है, इसमें अब हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला के इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर, इसमें जितनी भी नमी होगी वो बाहर आ जाएगी और पानी छोड़ देगी। जब तक हम इसे मिक्स करके अच्छे से ढक कर रख देंगे 15 मिनट रेस्ट के लिए, तब तक हम डो की तैयारी कर लेते हैं। डो की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कटोरी आटा। इसके बाद डालेंगे हम 1/4 चम्मच नमक। नमक के बाद डालेंगे हम 1/4 चम्मच जीरा। अब हम इन दोनों चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके उसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटा लगाते समय हमेशा हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही मिलाना चाहिए, क्योंकि एकदम से हम ज़्यादा पानी मिला देंगे तो हमारा डो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके डो को अच्छा सा सॉफ्ट बना लिया है। अब हम डो को 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम गोभी को देखेंगे, गोभी ने हमारा अच्छे से पानी छोड़ दिया है। इस तरह से हम दोनों हाथों में अच्छे से लेकर इसे अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी निकाल देंगे, ताकि हमारी गोभी एकदम ड्राई हो जाए। देखिए गोभी ने कितना पानी छोड़ दिया है, और इस तरह से देखिए हमने सारी गोभी ड्राई कर ली है। अब हम इस गोभी में मिलाएंगे सबसे पहले जिंजर, और मिलाएंगे 2 मिर्ची कटी हुई हरी। अब मिलाएंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मिलाएंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मिलाएंगे नमक और थोड़ा सा मिलाएंगे काला नमक। इन सारी चीज़ों को अब गोभी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सबसे लास्ट में मिलाएंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती तो हमारे पराठों की जान होती है, इसलिए हम अच्छे से धनिया पत्ती मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी गोभी की पराठों की स्टफिंग तैयार है। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे, और इस तरह से हम 1 रोटी का आटा ले लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल करके उसे हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हाथों की सहायता से इस तरह से बनाने के बाद हम इसमें अब स्टफिंग फिल करेंगे। स्टफिंग हम भर के फिल करेंगे, ताकि हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी लगें। इस तरह से स्टफिंग रखने के बाद हम इसे अच्छे से धीरे धीरे राउंड राउंड करके इसे अच्छे से इसके अंदर भर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हम रोटी की तरह बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। पराठों को हमें बहुत तेज़ी से नहीं बेलना है, नहीं तो उसकी स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी, इसलिए हमेशा पराठों को बहुत ही हल्के हाथों से बेला जाता है। ये देखिए हम इस तरह से पराठे को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा पराठा बन चुका है, और इसी तरह से हम और पराठे बना लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर हम पराठे सेकने के लिए एक पैन चढ़ाएंगे, और पैन जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम इस पर पराठा डाल देंगे, और जब इस तरह से पराठा हमारा हल्का सा कलर चेंज कर देगा, तब हम उसमें चम्मच से तेल को लगा देंगे, और फिर पलट कर फिर हम इस पर तेल लगा देंगे, और पराठे को सुनहरा होने तक स्पैचुला से दबा दबा कर उसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से और सारे पराठे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे इन गोभी के पराठों की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
मैं फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।